बच्चों, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में क्लोज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा बेसिक, तो आप इस क्वेश्चन को ईजी से सॉल्व कर सकते, क्योंकि बोर्ड में चार 10th क्लास में 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहता है, बोर्ड में आना ही रहता है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, sec थीटा प्लस cos थीटा और sec थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। इन दोनों का ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, ठीक है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। चूँकि sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब चूँकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, आपको बस इजी कॉन्सेप्ट समझना था, इसमें कुछ नहीं था आपका। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन समझने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, देख लीजिए फिर से एक बार, दिखा देते हैं आपको। sec थीटा प्लस cos थीटा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से निकलना है। लेफ्ट हैंड साइड से आप लिख लीजिए हैं sec थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा माइनस cos, क्योंकि a प्लस b a माइनस b को सूत्र होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लिए हैं। और क्योंकि sec स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा, और वन टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लिए, और प्लस को इधर कर लिए, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए इसे कर लिए। ठीक है भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।